ECS and valuation charges. क्या होता है ECS? पहले earlier इसमें आपने बहुत बार checks दिए रहेंगे 48, 60, 36, कोई भी loan लिए रहेंगे तो 3 years के लिए, 4 years के लिए हमने बहुत सारे checks sign किए. अब ये सब checks की business बंद हो गए. आपको सिर्फ और सिर्फ ECS mandate करना पड़ता है, that is electronic clearing system के through. आपका बैंक और ऐसे ऐसे बैंक है जो बैंक से आप लोन ले रहे हैं, वो बैंक का आपको सिर्फ ECS का एक मैंडेट करना पड़ता है, डायरेक्टली आपके गिविन डेट पे वो डेबिट हो जाता है आपका ईएमआई. सो इसका भी एक नॉमिनल पेमेंट है जो वो चार्जेस ले लेते हैं. सेकंड आता है वैल्यूएशन, कार वैल्यूएशन. यस, आपकी जो गाड़ी जो आपने रखा है बहुत ही बेहतरीन रखी है, उसको किस तरीके से आपका थर्ड पार्टी एजेंसी चेक करता है. यस, ये बैंक खुद नहीं करता है, बैंक इसको भी बाहर आउटसोर्स करता है, थर्ड पार्टी को देता है चेक करने के लिए. क्योंकि क्या हो जाता है, कार ऐसी चीज है कि हर पार डे बाय डे इसको डेप्रिशिएट होते रहता है. यस, यू हर्ड मी राइट माय फ्रेंड. तो उनको एक्चुअल वैल्यू पता होना चाहिए रहता है कि अभी कार का, आपके कार का क्या वैल्यू है मार्केट रेट के हिसाब से. तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज को टाई अप करते हैं. वो लोग आपके पास आते हैं आपके गिवन टाइम पे, आपके डोर स्टेप पे, आपको किधर भी आने की जरूरत नहीं पड़ती. यस, यू हर्ड मी राइट. आपके डोर स्टेप पे आते और आपके कार को चेक करते, स्टार्ट नहीं करते बट ऊपर से देखते किस तरह से आपने अच्छे से रखा हुआ है, और उसके बेसिस पे आपको वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू देते. तो ये वैल्यूएशन और ECS ये भी एक चार्जेस लगते हैं आपको.